चल इंपुत्र उधर उधर बिल्लू बेटा का कुछ पता चला? नहीं अबाजी, हर जगह पता किया मगर बिल्लू का कोई पता नहीं चल रहा। या अल्लाह रहम, हाय मेरा बिल्लू, न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सबर कर पुत्र, हौसला कर, मेरा सोना रब बहुत बेहतर करेगा, बहुत अच्छा करेगा। मैंने तो अपने सोने रब से 10 नफल मान लिए, हमारा बिल्लू खैरियत से घर आ जाएगा। अरे शादो, तू अपना दिल हल्का ना कर, हौसला कर। हेलो, रोशन खान बोल रहा हूँ। हमें पता है कि तू रोशन है, तू आवाज हल्की रख, तेरा पोता बिल्लू हमारे पास है। कहाँ है मेरा बिल्लू? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आराम से आराम से, ज्यादा शोर ना कर, गौर से हमारी बात सुन, नहीं तो पोते से हाथ धोलेगा। कौन कौन बोल रहे हो तुम? खान साहब, तूने सारी उम्र पैसा जमा किया है, तेरी पेंशन का पैसा भी तेरे पास है, हमको हमारा हिस्सा चाहिए। क्या मतलब है तुम लोगों का? पोते की जिंदगी चाहता है तो कल तक 20 लाख का बंदोबस्त कर ले, नहीं तो पोते के बदले दौलत को चूमते चाटते रहना, याद रख कल तक 20 लाख। 20 लाख? मेरा पोता बिल्लू, मेरा पोता। खान साहब, अबाजी, अबाजी, जा जा के पानी लेके आ। आ जाएगा हमारा हमारा बिल्लू आ जाएगा। हौसला करो बाजी, सबर करें आप। उत्तर आ जाएगा, बाहर हौसला, वो पानी पी पिया बाजी पानी। मैं ठीक हूँ पुत्र। कौन लोग थे बाजी, क्या कह रहे थे? हमारे बिल्लू बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है, 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। ओ पुत्र हौसला कर, हौसला, अल्लाह बेहतर करेगा। ओए तू क्या औरतों की तरह रोने लग गया है, तू ही हिम्मत हार जाएगा तो हम दोनों बूढ़ों का क्या होगा, चलो थाने चलते हैं। खान साहब, पुलिस को बताने से कभी? हाँ हाँ मसला। अब्बा जी आप मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सारा सामान ले लो, लेकिन मुझे मेरा बिल्लू हर हालत में चाहिए। अब्बा जी ले लो। खान साहब, अगर थोड़े बहुत पैसे देकर हमारा बिल्लू घर जा जाता है तो समझ लो हमारे बिल्लू का सदका है, बड़े जालिम लोग होते हैं वो। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन पुलिस स्केल में बात लाना पड़ेगी, हमने कौन सा किसी को बताना है। चलिए अब्बा जी, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा मेरे बिल्लू को, मेरी सारी दौलत जो है ना उस पर कुर्बान है, लेकिन ये रपट लिखानी लाजमी है। और तू भी खाम खा अपनी जान होली कर रही है शादो, बैठ हम अभी रिपोर्ट लिखा के लाते हैं। आइए जनाब आइए, यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, आप यहाँ आ जाए। सर ये बड़े साहब हैं, इनका कहना है कि इनका पोता अगवा हो गया और आपसे मिलना चाहते हैं। पोता अगवा हो गया? अरे आप खड़े क्यों, बैठे तशरीफ रखें। हाँ बुजुर्ग, अब बताएं क्या मसला है? इसका बेटा, मेरा पोता कल शाम 7 बजे चीज लेने निकला था, लेकिन उसके बाद नहीं मिला अभी तक जी। बच्चे की उम्र क्या थी? सर जी यही कोई 8 साल का। इस बार ईद पे माशाल्लाह से 9 बरस का हो जाएगा जी। अच्छा, क्या नाम है उसका? सर जी बिलाल नाम है। बिलाल तो उसका नाम है जी, लेकिन प्यार से हम उसको बिल्लू कहते हैं, बिल्लू। अच्छा, आपने अपने रिश्तेदारों में या उसके दोस्तों से पता किया उसके बारे में? सब जगह तलाश कर लिया है जी, पर उसे अगवा किया है। ये आपसे किसने कह दिया कि उसको अगवा किया गया? फोन आया था जी उनका, अगवा करने वालों का। पहले तो हम ये समझे कि बच्चा गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ निकल गया होगा खेलने के लिए, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद नहीं मिला हमारा बिल्लू जी।
हौसला कर अब्बा जी। अरे बुजुर्गवार आप हौसला रखें, हम इंशाल्लाह बच्चे को तलाश कर लेंगे। अच्छा आप ये बताएं कि जब आप थाने आ रहे थे तो किसी ने देखा तो नहीं आपको? नहीं सर जी, हम तो खुद ही रास्ता बदल के आए थे। गुड, और किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए। फोन किस नंबर से आया? मेरे नंबर पे आया था जी, ये इस नंबर से फोन आया था जी। लेकिन उसके बाद जब हमने इस नंबर पे फोन किया तो फोन बंद था। अच्छा आप ऐसा करें कि अपने तमाम नंबर यहाँ लिखवा जाएं, और आपके पास कोई भी इतला या कोई भी खबर आए तो फौरन हमें इतला करें, ठीक है? ठीक है साहब जी, जल्दी कुछ करें, बिल्लू की माँ की हालत बहुत ख़राब है। देखें जनाब, माँ तो माँ होती है, आप तावुन करें, इंशाल्लाह मुजरिम बच के नहीं जाएगा। अच्छा आप इनको ले जाएं और इनके नंबर नोट करें, ठीक है? और तफ्तीशी अफसर शकील को फौरन भेजें मेरे पास। मेहरबानी सर जी, कुछ करें जल्दी करें। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। रोशन खान अपने पोते बिलाल के अगवा बराए तावान की रिपोर्ट दर्ज कराने अपने बेटे सलीम के हमराह थाने में आया था, जिस पर SHO साहब ने इस केस को इंटरोगेट के लिए मुझे कहा गया और तमाम घर वालों के फ़ोन नंबर्स पर ऑब्जर्वेशन लगाने की हिदायत की। सर तशरीफ रखें। पहला काम ये करें कि घर के तमाम फ़ोन नंबर पर फौरन ऑब्जर्वेशन लगाएं। यस सर, लेकिन सर मेरे ख्याल से एक दो बाल बाद सादा कांस्टेबल इलाके में भेज दें, हो सकता है कोई इलाके का बंदा हो। बात ये भी गौर तलब है कि उन्होंने दादा के ही फ़ोन पर क्यों इतला दी, बच्चे के बाप को क्यों फ़ोन नहीं किया? सर शायद इसलिए कि खान साहब ही घर के सरबराह हैं और साहिब सरवत भी। इसका मतलब है अगवाकारों को खान साहब की फैमिली के बारे में तमाम मालूमात हासिल है। जी सर, लेकिन सर इसे ये ध्यान नहीं होता कि कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर है जो खान साहब की फैमिली को अच्छी तरह जानता है। सर कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं? हाँ हो सकता है, लेकिन खुदा ना करे। सर लेकिन क्यों? इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है देखेंगे, अभी तो आप ऐसा करें कि खान साहब के पूरे ख़ानदान के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। ओके। यस सर, थैंक यू। शालीमार के रिहायशी रोशन खान और उसके बेटे सलीम खान ने शालीमार थाने में आकर इत्तला दी कि उनके बेटे बिलाल उर्फ बिल्लू को नामालूम अफराद ने अगवा करके 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है। हाँ वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। जी 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 सर, जी मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा पोता मिल गया। पोता मिल गया, कैसे? अरे आप मिठाई खाए, मैं बताता हूँ। ले लें मिठाई तो ले लेंगे। ले पुत्र तू भी ले और बाकी पुलसियों को भी खिला। मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो आपको इतला दे दूं। क्या बात है आपकी। लेकिन बच्चा मिला कैसे? वो सर जी वो खुद खुद घर आ गया था। खुद ब खुद घर आ गया? बस जी क्या बताऊं, पूरी रात इबादत करता रहा लेकिन मेरी दुआओं में वो तासीर कहाँ। जब बच्चे की दादी मुसल्ले पे बैठी और इतने आंसू बहाए, इतनी रोई कि उसकी रहमत को जोश आ गया। खान साहब थोड़ी देर लेट जाते, आराम मिल जाता। वैसे भी आपकी तबीयत सही नहीं है, सोओगे तो थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी। शादो तुझे क्या बताऊं, नींद आँखों से कोसों दूर चली गई है, वरना नींद के अपने तेवर होते हैं, खुली आँखों में उतर जाती है। अच्छा फिर भी थोड़ी आँख लग जाएगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। आप अल्लाह पर यकीन करें, हमारा बिल्लू आ जाएगा।
सलीम, देखो दरवाजे पे कौन है। इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूँ, वरना कब का मर ना जाता। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बिल्लू, अब्बा जी, बिल्लू आ गया है। बिल्लू आ गया क्या? नसरीन, मेरा बिल्लू पुत्र आ गया। बिल्लू आ गया, आ गया बेटा। क्या? मेरा बच्चा आ गया। मेरा बिल्लू आ गया। आ मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? चल मेरा बच्चा आ जाओ। मेरा बच्चा, या अल्लाह, दे अल्लाह के आगे। खुश हो जाओ भैया, भाई आ गए। खुश हो जाओ भैया, मेरा बिल्लू आ गया। आ गया मेरा बिल्लू, आ गया। मुन्ना आ गया। कहाँ चला गया बिल्लू? आ गया, कहाँ चले गए तू बिल्लू? मुन्ना आ गया। क्या वो बच्चा? बस जी, कुर्बान जाऊं उसकी जात पे। बड़े डाढ़े फैसले करता है, खुद ही इम्तिहान लेता है और खुद ही माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। वैसे आप लोगों ने पूछा बच्चे से कि वो किन लोगों के पास था? और जी अब्बा जी कहते हैं बच्चा घबराया हुआ था, उसे कुछ ना पूछना। और जी हमारा बिल्लू घर आ गया, यही काफी है। बस जी, जैसे ही बिल्लू घर पे आया हम इस खुशी में सब कुछ भूल ही गए। चलिए खान साहब, हम लोगों ने आपकी मिठाई तो खा ली, हमारे पास भी कुछ मालूमात हैं। उसके लिए हाजिर होंगे आपके घर पे, कुछ बयानात कलमबंद करवाने। सो बिस्मिल्लाह जी, सो बिस्मिल्लाह। आपका अपना घर है, आप जब चाहें आ जाएं। चल पुत्र। अच्छा जी।